हेलो फ्रेंड्स, इंडियन करी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको गांव के देसी तरीके से लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बनाकर बताऊंगी। सिलबट्टे पर बनी यह चटनी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए हमने ये गीली वाली लाल मिर्चें ली है और 15 से 20 लहसुन की कलियां ली है। सबसे पहले हम लहसुन और लाल मिर्चों को सिलबट्टे पर बारीक कर लेंगे। थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब थोड़ा तेल लेंगे, फिर इसमें जीरा डालेंगे और जो हमने लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था इसे डाल देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाएंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें एक नींबू का रस डालेंगे, जिससे कि चटनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आप इसे बनाकर 6 से 7 दिन तक फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मज़ेदार और टेस्टी हमारी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।